हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। आर्यन खान, आप जब ये नाम सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? पिछले साल से पहले तक आप आर्यन को सुपरस्टार शाहरुख के बेटे के तौर पर जानते थे, और अब आर्यन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली तस्वीर उभरती है क्रूज ड्रग्स केस, एनसीबी के इल्ज़ाम, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तोहमतें। 26 दिन तक आर्यन को हिरासत में रखा गया, कोर्ट में तहरीरें दी जाती रहीं, एनसीबी की तरफ से सोर्सेज आर्यन को दोषी बताते रहे, शाहरुख के वकीलों की फौज आर्यन की जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर लगाती रही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पर इल्ज़ाम लगे, शाहरुख और उनकी मैनेजर शक के घेरे में आए। सोशल मीडिया तो जैसे ही मान बैठा कि एक सुपरस्टार का बेटा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल ही चला रहा है। 2 अक्टूबर उस क्रूज पर आर्यन का जाना जैसे तूफान लेकर आया था, और इन सारे तमाशों का जाम क्या हुआ? 27 मई को इस केस की जांच कर रही टीम ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट यानी आर्यन ना नशे में था, ना ड्रग्स से उसका कोई लेना देना था। इस पूरे केस के दौरान सब सोर्सेज के भरोसे चलता रहा, इल्ज़ाम भी और दर्द की कहानियां भी। ना शाहरुख ने किसी से कुछ कहा, ना आर्यन ने कुछ बोला। एक न्यूज़ मैगजीन ने अपने कवर स्टोरी में आर्यन खान के केस को जगह दी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह का इंटरव्यू किया, जो इस केस की जाँच कर रहे SIT टीम के हेड भी थे। अपने इंटरव्यू में संजय ने बताया कि जब वो आर्यन से मिले तो कहा कि ओपन माइंड से वो बात करें। संजय सिंह ने बताया कि आर्यन ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो सोल सर्चिंग थे, यानी कि आर्यन के सवाल सुनकर संजय को अपने डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। आर्यन ने उनसे कहा, आपने मुझे एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर की तरह पेश किया है, जैसे मैं ड्रग ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करता हूँ, क्या इल्ज़ाम गलत नहीं है? उन लोगों ने मेरे पास से किसी भी तरह की कोई ड्रग्स बरामद नहीं की, बावजूद इसके उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। सर, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आपने मेरी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। मुझे इतने हफ्तों तक जेल में क्यों रहना पड़ा? क्या वाकई मैं इन सबका हकदार था? आर्यन खान के एनसीबी के संजय सिंह से बातचीत। न्यूज मैगजीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह आर्यन के पापा शाहरुख खान से मिले, क्योंकि वो केस में शामिल तमाम बच्चों के घर वालों और पेरेंट्स से मिल रहे थे। संजय सिंह के मुताबिक शाहरुख ने उनसे इस झूठे केस के चलते आर्यन के मानसिक और इमोशनल स्ट्रेस पर बात की, और बताया कि आर्यन रात को सो तक नहीं पा रहे हैं, उसे कंपनी देने के लिए शाहरुख आर्यन के साथ रहते हैं। संजय सिंह के मुताबिक शाहरुख ने उनसे कहा कि हमें ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे हम कोई बड़े क्रिमिनल या शैतान हों जो पूरे समाज को बर्बाद करने निकले हुए हों, हम सबका काम तक पर जाना मुश्किल हो गया है। शाहरुख खान के एनसीबी के संजय सिंह से बातचीत। आर्यन और शाहरुख अपनी नॉर्मल जिंदगी की ओर लौट रहे हैं, उनका परिवार भी धीरे धीरे इस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहा है। करण जौहर के जन्मदिन पर आर्यन इस केस के बाद पहली बार किसी फंक्शन में नजर आए, मगर किसी से ज्यादा बात नहीं की। शाहरुख भी शूटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन क्या इस पूरे हादसे को भुला पाएंगे? कोई ट्रांसफर, कोई दवा इस दर्द का इलाज कर पाएगी? शायद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हाय, मेरा नाम साबिर खान है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, और हमने ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई है। इस फिल्म के कलाकार अभिमन्यु शर्ली हैं। हमारी फिल्म 17 जून को रिलीज़ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आएँ अपने फैमिली के साथ ये पिक्चर देखने के लिए। सर, तो इंटरव्यू वो करने वाली है सर। अच्छा, ये करें, आप शॉट इधर भी डायरेक्ट कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर? सर, आप पर्दे के पीछे रहते हैं, शायद भूल रहे थे। सेट हो गया। ओहो, मैं बोलना चाहता हूँ। सबकी आवाज होनी चाहिए। हाँ सर, एक्टिंग में फिर कब आने वाले आप? मैं क्या है ना, मेथड एक्टर हूँ, तो मैं अभी इस कैरेक्टर से निकला नहीं हूँ। मैं निकला नहीं निकला नहीं अच्छा सर, चलिए, 17 जून को आ रही है आपकी फिल्म निकम्मा, और आपके साथ आपके एक्टर्स भी मौजूद हैं, निकम्मे मौजूद हैं, तीनों निकम्मे। तो ये बताइए, सबसे ज्यादा निकम्मा कौन है? एक दो तीन। क्यों
शिल्पा मैम ने ऐसा क्या किया? ते बहुत तंग करती है सेट पे। निकम्मा वो होता जो करता नहीं है। करता नहीं। तो हाँ बढ़िया भी। सीनियरिटी का फायदा उठाना। मैं नहीं आऊंगा शॉट पे। बट ये इसने अपना कैरेक्टर पूरा मतलब जो है सीरियसली ले लिया, सोकिन कर लिया। और मतलब निकम्मा क्या बना, मतलब उसने सीरियसली ले लिया सेट पे सोना। मतलब डायरेक्टर को पूछा ये शॉट की क्या जरूरत है, मतलब मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ। हाँ, और ये लाइन जो शिल्पा मैम की, ये मतलब ये सीन में चाहिए, मतलब मैं बोलूंगा तो मेरी लाइन काटी मैंने। ये बोलना जरूरी है शिल्पा मैम को, दे दो डायलॉग, मैं निकल जाता हूँ सीन से। तो ये बताइए शिल्पा मैम, जैसे साबिर सर ने बताया कि तीनों निकम्मे हैं, फिर बोल दिया कि खैर यही निकम्मा है, आपके लिए कौन सबसे बड़ा निकम्मा है इस सेट पर? मेरा मैं अभी तो ये टाइटल इट्स द टिटुलर रोल। ये आपने इनकी मतलब डेब्यू फिल्म बनानी चाहिए थी ना इनके ऊपर, डेब्यू बायोपिक बनानी चाहिए। मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं डेब्यू फिल्म बना रहा हूँ। इसके पहले इसने एक फिल्म की बहुत खूबसूरत मत को दर्द, उसके बाद इसने एक फिल्म की मीनाक्षी, वो भी बहुत खूबसूरत। मैं तो यही सोच के चलता हूँ कि डेब्यू बना रही है, ये भी इनकी भी डेब्यू, इनकी भी डेब्यू, इनकी रीडेब्यू हो रहा है। अच्छा मैम, बाकी आपके एक तरह से मतलब 2.0 वर्जन है, इस फिल्म को चुनने का पीछे का क्या मकसद था आपका? जब आप इस किरदार को देखोगे बड़े पर्दे पर तो आपको समझ में आएगा, हाँ चलो इट वाज़ वर्थ द वेट, क्योंकि ऐसा किरदार मैंने पहले प्ले किया नहीं है। समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ फैमिली वैल्यूज़, जो कड़क भी है और नरम भी है, एंड इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसी पिक्चरें अच्छी लगती है जो लोगों को एंटरटेनिंग लगे, एंड मैं चाहती थी कि इस फिल्म के ज़रिए से मेरा बेटा, जो मुझे सिर्फ मम्मी के नज़रिए से देखता है, बेटे के नज़रिए से देखता है, आई वॉन्टेड हिम टू बी इंट्रोड्यूस टू शिल्पा शेट्टी द एक्टर। सो आई थिंक बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज अ मदर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन एक्टर टू माई सन। तो जब वियान ने देखा ये ट्रेलर तो उनका रिएक्शन क्या था, वो क्या बोले? वो बहुत एक्साइटेड है और 12th को मैं देखने वाली हूँ फिल्म मेरी पूरी फैमिली के साथ। आई नो ही वॉज मोस्ट थ्रिल्ड अबाउट दैट, बट वो पूरा उसका पूरा श्रेय साबिर सर को जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा लगेगा, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ट्रेलर के लिए बनाया गया था, दिस वॉज इन द नरेशन एंड दिस वॉज हाउ ही हैड विजुअलाइज्ड इट राइट फ्रॉम डे वन। तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अलग अलग फैसेट्स है अवनी के, एंड आई रियली फील दैट आई एम हैप्पी दैट आई सेड येस टू दिस। तो इट यू नो इट मेड इट अ रियली वेल राउंडेड पार्ट फॉर मी। अच्छा शर्ली, आप इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं, लॉकडाउन लग गया, फिल्म थोड़ी सी डिले भी हो गई, अभिमन्यु हैं आपके साथ, साबिर सर हैं, शिल्पा मैम हैं, लेकिन ये बताइए जब इतने सारे लोग होते हैं सेट पर, बुली तो नहीं किया किसी ने? नहीं सीनियर मुझे मैसेज आया दूर हट। मैंने बोला तू ही आके एक्टिंग कर ले भाई। ये तो ज़्यादा है। या नहीं, ऐसा नहीं है, बट इनफैक्ट सबने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है मेरा, बी इट मैम, इवन अभिमन्यु, बोथ आर सो काइंड एंड सो केयरिंग। सो कभी मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि लाइक मैं न्यू कमर की तरह एक्टिंग कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा काम करके, क्योंकि ये न्यूकमर की तरह एक्टिंग करती नहीं है। ये दोनों जो है, मैंने बोला ना, वो मास्क के पेट से ऑलरेडी पूरे तैयार होके आए हैं। हाँ, हमको हम मैं ऑनेस्टली मैं सोच रही थी भाई मैं क्या कर कर रही हूँ इस पिक्चर में, मुझे थोड़ा सा अपने क्राफ्ट को थोड़ा सा मुझे पॉलिश करना पड़ेगा इसको। वैसे ही मैं बहुत रस्टी थी, मैं डर डर के गई थी मैं सेट पे। ऐसा लकीली फॉर मी आई वाज स्टिल डूइंग टीवी, आई वाज डूइंग यू नो एड फिल्म्स, तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कुछ नया था। लेकिन दौर बदल चुका है, एक्टिंग करने का तरीका बदल चुका है, लोगों का नज़रिया बदल चुका है। 90s में आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फॉरगिव कर देते थे, लेकिन अब पीपल हैव स्मार्टेंड अप, ऑडियंसेस बहुत समझदार हो गए हैं, और ट्रेलर से पता चल जाता है उन लोगों को कि ये पिक्चर देखने लायक है कि नहीं। तो आई एम हैप्पी दैट वी हैव मेड एन एंटरटेनिंग फिल्म, एंड चलना नहीं चलना भी रियली डोंट नो, बट लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। शर्ली है हमारे साथ, भाई गाना तो बहुत अच्छा गाती ही हैं, एक्टिंग तो कर ही रही हैं, तो दो लाइनें हो जाए। ओके, क्यों जिद पे अड़ा है, क्यों पीछे पड़ा है,
क्या क्या कहते हैं तुझको तेरे डैडी अम्मा निकम्मा, दोबारा मत पूछना, निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। ये सर ये टाइटल ट्रैक जो ये लेके आए हैं अपने गाने के लिए, ये मतलब कितनी मेहनत लगी इसके पीछे भी? कोई मेहनत नहीं लगी। नहीं, जब भी हम लोग कोई गाना शूट करते थे तो ये लोग बोलते थे इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग होना चाहिए, इसमें टाइटल सॉन्ग क्यों नहीं है। तो वो दिमाग में करते 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 निकम्मा वर्ड को कैसे तोड़े, तो एक गाना था जो गाना बहुत अच्छा था बट मुझे रीमिक्स नहीं करना था, तो मैंने कंपोजर को बुलाया और मैं बोला कि बिना मेहनत किए क्या दे सकता है हमको ये गाना। नहीं, इसका जेन्युइनली इस गाने को कंपोज किया है जावेद मोहसिन ने, दानिश साबरी ने लिखा है। बहुत खूबसूरत तरीके से ओरिजिनल ट्यून का हिस्सा लेके, सोल लेके बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम इस गाने को इतना प्यार मिल रहा है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, एंड पीपल आर लविंग इट, मेकिंग रील्स, एंड आई थिंक दिस सॉन्ग इज हियर टू स्टे। 17 जून को फिल्म आ रही है एट लास्ट। अभिमन्यु ने जैसे एक्शन किया है धमाकेदार, शिल्पा मैम की धमाकेदार एंट्री है, शौली का डेब्यू है, एट लास्ट ऑडियंस से क्या बोलना है? 17 जून को जाओ पिक्चर देखो क्या और क्या शॉर्ट एंड स्वीट, जाओ थिएटर में अपने माँ बाप को लेके, अपने भाई बहन भाभी देवर पूरे घर को लेके जाओ, और जैसे शौली ने बोला पॉपकॉर्न खाओ, सॉफ्ट ड्रिंक पियो, पिक्चर देखो, मजे करो, मजे करो। शौली आप बोलिए, आप बोलिए, लोग सुन लेंगे आपकी बात, सुन के हाय एवरीवन। हमने बहुत प्यार और बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है निकम्मा, रिलीज़ हो रही है इन थिएटर्स नियर यू 17 जून को। प्लीज़ जाइएगा अपने परिवार के साथ एंड अपने दोस्तों के साथ और इन्जॉय करिएगा, एंड या हैव फन। नो पॉपकॉर्न पेप्सी, ओह कवर हो गया, खा लिया ऑलरेडी, समोसा खा लेना। इतनी लंबी फैन फॉलोइंग को तो कुछ बोल, अभी और कितना बोलूं बच्चे की जान लोगी तो नहीं, बस बहुत सारा प्यार मिला है मुझे हमेशा, थोड़ा सा और प्यार एक्सटेंड करिए मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को। हम सब ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म पे, और कोविड के बाद ये हम लोगों को मौका मिला है कि हम थिएटर में आएँ और एक अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट, होलसम कॉमेडी, फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज, म्यूजिक कमाल का, एक्शन भी है, देखो कमाल का एक्शन है, और फैमिली वैल्यूज वाली फिल्म है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे परिवार सहित जाएं थिएटर में, एंजॉय करके फिर प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, शौली को करना, अभिमन्यु को भी करना, साबिर सर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंस्टाग्राम में और हमें बताइए कितना अच्छा लगा आपको। 17 जून, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। कैमरा पर्सन केके के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली। हे गाइस, वेलकम टू E24, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज, और हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे नेटफ्लिक्स हमें बहुत सारे सीजन्स और बहुत सारे मूवीज से सरप्राइज करते आया है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था उससे कुछ ही दिन पहले शी एक ऐसा वेब सीरीज आया था जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड लोगों ने उनके किरदारों को भी बहुत ज़्यादा प्यार किया। इसी वजह से अब शी अपने सीज़न 2 के साथ आ रहा है और इस वक्त हमारे साथ उनके दो मुख्य कलाकार हमारे साथ बैठे हैं। वी हैव भूमि एंड जेसन सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे हो आप लोग? आई लाइक द वे ही सेज जेसन सर, ऐसा लगता है आप भी मेरे टीम में हो एकदम अच्छे से टीम में। टॉकिंग अबाउट, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जब रिलीज हुआ था शी का पहला सीजन, उसके कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, क्या कुछ मन में चल रहा था? बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पर लॉकडाउन अनाउंस हो गया, लोग डरे हुए थे, बहुत कुछ था, पर लोगों ने देखा, क्या कुछ मन में चल रहा था अगर बताना चाहें तो? आई थिंक जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, आई रिमेंबर 18th मार्च, 20th वाज आई थिंक 20th मार्च वाज द रिलीज डेट। सो मैं किसी से कह रही थी कि मैं तो रोने लगी, क्योंकि मुझे लगा अब ना प्रमोशंस होंगे, ना होर्डिंग्स लगेंगे, पता नहीं कौन ये शो देखेगा। सबके दिल में इतनी घबराहट थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टीवी भी देखेगा या नहीं देखेगा। बट एज द शो स्टार्टेड, एक आई थिंक एज इट वॉज ड्रॉप्ड 12 इन द नाइट और समथिंग,
सुबह तक मेरे इनबॉक्स में इतनी सारे मैसेजेस मेल्स और मेरे मैनेजर के मुझे फ़ोन आने लगे थे दैट पॉइंट ऑफ टाइम. डूड द शो इज डन डैम वेल मैन आई स्टिल रिमेंबर एंड आई वॉज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा. मुझे लगा मेरा पहला शो है यू नो इन हिंदी दिस इज माई फर्स्ट थिंग इट्स माई डेब्यू एंड आई थॉट आई एम क्रश्ड एज एन एक्टर. गया मैं वापस अभी पता नहीं क्या करूँगी इसके बाद यू नो मैं समंदर का देखते गई एंड आई वॉज लाइक अब क्या होगा मेरा एंड देन सॉट फॉरगेट इट लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड एज द डेज प्रोग्रेस बिकॉज ऑनेस्टली जब मैंने ये किरदार किया हुआ था ना तब मुझे लगा मुझे एक हमेशा से एक फीलिंग होती है एक्टर को मुझे एक फीलिंग थी कि ये बहुत चलेगा यू नो अंदर से मुझे एक फीलिंग थी कि दिस शो विल रन डैम वेल. सो एक हमारा असिस्टेंट द चीफ एडी आई थिंक द असिस्टेंट डायरेक्टर वन ऑफ देम हामिल मैंने उससे कहा था हामिल तू देख ये शो क्या चलेगा यू नो. तो उसने मुझसे कहा था हाँ भूमी यू आर गुड ओनली आई एम टेलिंग यू ना डोंट वरी ऐसे मुझे वो दिलासा दे रहा था यू नो. जब वो हुआ एक्चुअली आई कॉल फर्स्ट थिंग आई कॉल हामिल एंड आई सेड सी आई टोल्ड यू इज या 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 यू टोल्ड मी आई नो यू टोल्ड मी इवन वी आर सरप्राइज्ड. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज एंड देन लेटर एक हफ्ते बाद दो हफ्तों बाद लाइक थर्ड वीक फोर्थ वीक इट रैन ऑन नंबर वन फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक टू मंथ्स और समथिंग लाइक टू थ्री मंथ्स और समथिंग. सो इट वॉज वेरी थ्रिलिंग एंड पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी थ्रू द मास्क दैट वॉज माई बिगेस्ट सरप्राइज एंड दे सेड we can see it in your eyes you know bhumi ki aankhon mein dikhta hai. So I was like wow yaar ye to bada sahi hai. So yeah very very exciting yeah very exciting. Aapne bilkul sahi baat kaha trending ke naam pe wo ab bhi third number pe trend kar raha hai. Right. Talking about Vishwas aapse hum janna chahenge jab maine pehla season dekha tha I was like maine kahin to dekha hai inko kahin to dekha hai. What made you say yes to this character Jason ka क्या आपको पसंद आया इस स्क्रिप्ट में बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू हम आपके साथ नहीं कर पाए थे बिकॉज आई वॉज नॉट देयर बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो दैट. इम्तियाज अली दैट्स ट्रू लाइक आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ वर्किंग विद हिम. अंदर ही अंदर ऐसे यू हैव दीज एज एन एक्टर तो मैं होता ना ये वहाँ उनके साथ काम करना है ऐसे. तो जब मेरे पास आया ये और मैंने पढ़ा और इससे पहले जो मैंने किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है. मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम वीरे दी वेडिंग. So when someone offered a part like this and Imtiaz sir saw the character in me, main dara tha thoda but I was very keen on proving him right. Ki agar inko dikh raha hai to phir kuch to hoga. And I jumped into it yaar. I read it and it was very exciting. And pehle to laga hi nahi ki ye this is an Imtiaz Ali production. Because the way it was written, मैंने पढ़ा एंड बोला ही इज रिटन एंड बोले हाँ इज रिटन इज शो रनिंग इट. सो मैंने बोला ये तो करना ये तो करेंगे. वेरी कीन दैट इट ही आई थिंक वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर मी कमिंग ऑन बोर्ड. बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चलना चाहिए था एंड दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर एंड डूइंग दिस इंटरव्यू. हम आपसे जानना चाहेंगे अदिति जब ये सीज़न आउट हुआ था बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी हमने देखे इसमें फाइट का हो बहुत कुछ आपको सीखने को मिला. किस तरह से आपने वो सीखा क्या कुछ हुआ अगर बताना चाहें तो. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखती हूँ पर फाइट सीखना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता था. आई मीन और बहुत से बार तो ऐसा होता है कि रिफ्लेक्स में ना आप किसी और को मार भी देते हो. मतलब मुझे पता है कि ये सीन चल रहा है पर एक पॉइंट के बाद मेरे को भूमि के लिए इतना बुरा लग रहा था और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैंने सच में फाइट मास्टर को मार दिया. और फिर उसने कहा नहीं ऐसे नहीं करना ऐसा करना है. आई नो एंड आई गॉट लाइक लिटिल एंग्री विद हिम यू नो बिकॉज देयर इज सो मच that is happening physically, mentally और भूमि को मतलब चैन ही नहीं है. रात को नींद नहीं आ रही है. नायक कहाँ है पता नहीं है क्या हो रहा है कहाँ जा रही है. ये फर्नांडिस यू नो ना कीप सीटिंग माई हेड या बहुत देर तक ऑफिस में भी वेट करवा हमेशा हमेशा. और भूमि चेंज हो रही है भूमि क्या कर रही है हमेशा शक करते ढूंढा भी फर्नांडिस ने नौकरी भी उसी ने दी देगा अंडरकवर ऑपरेशन भी उसी का ही है. तो यार मुझे तो बड़ा ये हो रहा था एक पॉइंट के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था भूमि के लिए. आपने जैसे देखा होगा फर्स्ट एपिसोड ही इतना इट्स लाइक अ सिजलर यू नो देयर सो मच गोइंग ऑन ओवर देयर. सो मैंने सोच लिया था एक पॉइंट के बाद कि अभी इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है इसको किरदार की तरह देखना है बट वो नहीं हुआ. यू नो आई डिड गेट अफेक्टेड बाय इट क्वाइट अ लॉट एंड वॉट एवर फिजिकली आई हैड टू face the challenge of probably you know doing the fight sequences doing the emotional scenes which were very disturbing at the same time
वो मैंने एक तरीके से अपने आप को मना लिया कि दिस इज़ हु भूमि हैज इज़ बिकमिंग नाउ. दैट्स व्हाट बोल रही है कि मैं चेंज हो रही है, मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है पर मैं चेंज हो रही है. और उसका वो जो दोस्त है द बेगर, उसको काफ़ी कुछ पता होता है भूमि के बारे में इवेंचुअली, बिकॉज वो एक ही है जिसके साथ वो अपना एक यू नो जिसको वो अपना मानती है इन अ वे, जिसको वो सब बोल सकती है बिकॉज शी इज़ फ्री विथ हिम यू नो, एंड शी इज़ लुकिंग फॉर फ्रीडम. शी इज़ लुकिंग फॉर फ्रीडम थ्रू लव आई वुड से. सो या टॉकिंग अबाउट जेसन फर्नांडिस का जो किरदार था, बहुत ही हमने देखा है कि बहुत एकदम शांत एंड बहुत कुछ, हाँ मतलब किस तरह से आपने क्या कुछ इसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया था, क्योंकि ऑलरेडी एक पुलिस का किरदार था एंड बहुत सारे टर्म्स यूज़ हो रहे थे, बहुत कुछ था इनफैक्ट पुलिस स्टेशन का जो भी ढूंढने वगैरह की चीज़ें थी, कुछ आपने कुछ इसके लिए प्रिपरेशन किया था? जी बिल्कुल, पूरा एक पोर्शन ऑफ रिसर्च था बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग. जब किरदार मिला तो एसीपी की जॉब क्या होती है यही नहीं पता था, क्योंकि कभी कोई पुलिस में है भी नहीं रिश्तेदारी में, और जैसी फैमिली से मैं आता हूँ, मतलब नहीं तो यूजुअली ऐसे लोग मेरे जो दोस्त हैं जिनकी फैमिली में पुलिस वाले हैं उनको पता होता है कि अच्छा ये इस डिपार्टमेंट में और ये काम होगा और ऐसे. तो मैंने तो पूरा रिसर्च करके समझा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, और फिर थोड़े नारकोटिक्स कॉप्स की फ़ोटोज़ वगैरह देखी. उस समय पता किया एक्चुअली कोई अगर जान पहचान में, मैं चाहता था अगर कोई नारकोटिक्स में मिल जाए, पर मिला नहीं, टाइम भी कम था तब जब तक हम फ्लोर पे गए. बट और बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यार, इम्तियाज़ सर के साथ वर्कशॉप्स में ढूंढ रहे थे कि कहाँ विश्वास है और कहाँ जेसन है, एक अच्छा सा मिडिल ग्राउंड ढूंढ रहे थे जहाँ पे कैरेक्टर मिल जाए, वो वाली वर्कशॉप्स चल रही थी. तो वो सब किया, प्लेन क्लोथ्स वर्दी में जो होते हैं पुलिस वाले उनका मिजाज कैसा होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ पर यूनिफॉर्म होगी कहाँ नहीं होगी, इवेंचुअली हम लोग कहीं यूनिफॉर्म नहीं यूज़ की वो, बिकॉज उसका काम ऐसा है. तो ये सारी रिसर्च की, थोड़ी कॉप फिल्म्स देखी जहाँ पे वो लोग प्ले कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, फर्नांडिस जेसन थोड़ा यहाँ होता तो थोड़ा ऐसा होता, तो ढूंढा मिला, मज़ा आया. अच्छा अदिति, हम आपसे जानना चाहेंगे एक लड़की का, उसमें जो बार बार एक वुमेन वर्ड यूज़ हुआ था, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है किस तरह से वो अपने आप को प्यार करने लग जाती है, वो किस तरह से समझती है कि या एक्चुअली मुझे प्यार लोग करते हैं, मुझे लोग पसंद करने लगे हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बहुत ही सटल वे में दिखाया था, बहुत ही अच्छे वे में आपने उसको प्रदर्शित किया है हम लोगों के सामने, किस तरह क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आई थिंक भूमि हमेशा से एक खोज में थी बट शी डिडंट नो अबाउट इट, क्योंकि उसको हमेशा से बताया गया था कि तुम सबसे कम हो, एक सबटेक्स्ट में था वो. उसकी बहन डोमिनेटिंग थी, उसकी मॉम मैन्यू लाइक उन उस मतलब वो एक माँ के तौर पे उसको पता था भूमि के साथ क्या हो रहा है, और कोई भी बच्चा अपने माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है. तो उनको खुश रखने के चक्कर में जो भूमि के साथ होता है विथ लोखंडे विथ हर सिस्टर यू नो, भूमि को बस इतना जानना था कि मेरी लाइफ एक सरल दिशा में चल रही है, मेरी माँ ठीक है, मेरी बहन ठीक है, शी वॉज ओनली फॉलोइंग हर ड्यूटीज़. जब तक वो सस्या से जब मिली और उसको फर्स्ट टाइम एक महसूस हुआ कि शायद मैं ये नहीं हूँ यू नो, एंड देन व्हेन इट वाज बैग्ड बाय से फर्नांडिस, क्योंकि उन्होंने फर्नांडिस ने उसमें इतना विश्वास डाला है कि भूमि को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला एंड शी जस्ट नीडेड दैट वन हुक, मुझे ऐसा लगता है. और जैसे ही उसे वो सपोर्ट मिला, उसका उसके अंदर की जो एक्चुअली द आई वुड से द फीनिक्स दैट वॉज देयर विद इन हर, वो बाहर आई कहीं ना कहीं, द पावर विच वॉज सप्रेस्ड. बिकॉज कोई भी चीज़ बहुत देर तक अगर आप सप्रेस करते हो ना, इट्स लाइक टू मैनी एटम्स टूगेदर बिकम्स एन एटम बॉम्ब, इट्स लाइक दैट. सो वो सप्रेशन जो भूमिका ने इतने सालों में सहा है, चाहे वो मातृभाव हो या उसके कॉलीग्स हो या उसकी उसका हस्बैंड हो, हमेशा उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. एंड शी या शी कीप सेइंग इवन दैट सीन जब वो उसकी बहन बोलती है मेरे को पकौड़ा बना के दो एंड दिस एंड दैट, एंड देन शी सेज आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, एंड शी सेज जोर से मत बोलना बाहर के लोग सुन लेंगे यू नो. तब भी वो उसे सप्रेस ही कर रही है अपने फीलिंग्स को. तो जब वो नायक से पहली बार मिलती है और वो उसकी आँखों में एक्चुअली वो बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तो उसको समझ नहीं आता है ये क्या बोल रहा है, ये कौन है. वहाँ से उसको समझ आता है वो खुद कौन है. सो एज शी गोज अहेड शी कीप्स गोइंग विद इन हर सेल्फ मोर, एंड द रिस्पेक्ट एंड द आई वुड से द काइंड ऑफ
you know, the suppression which converts into her power gains that respect back, you know, and she is empowered with that rather. वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलता है, वो अंदर ही मिलेगा आपको. एंड बिकॉज ऑफ दैट इज सो पावरफुल. बाहर अगर उसका हस्बैंड हो या नायक हो या कोई और बदलता रहेगा तो दैट वोंट मैटर एनी मोर बिकॉज शी हैज़ फाउंड हरसेल्फ विद इन. दैट इज़ वॉट आई थिंक द सेकेंड सीजन विल हेल्प यू. लाइक आई थिंक देर इज़ अ वेरी बिग मैसेज इन दैट फॉर नॉट जस्ट वेमेन बट फॉर मैन ऑल्सो. यू नो द वे भूमि हैज़ टेकन पावर विद इन हरसेल्फ, लाइक फ्रॉम हरसेल्फ शी इज़ taken that power and just exploded now. हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब ट्रेलर इसका जब सेकेंड सीजन का जब अनाउंसमेंट हुआ था, बिकॉज पहले सीजन को लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों को बहुत इंतज़ार था सेकेंड सीजन का. जब आउट हुआ, बातें जब आउट हुई एंड लोगों को जब धीरे धीरे पता चला, वॉट इज़ द बेस्ट फीडबैक यू गॉट फ्रॉम योर ओन वंस जिन्होंने देखा हो या फिर एनी वन फैंस? बिकॉज हम अब तक आपको एक भंडारी के किरदार में अब तक देखते आए हैं एंड जिस जब भी हम सोचते हैं तो हमें वही याद आते हैं. लेकिन जब ये आउट हुआ, आपने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, मतलब हमारे दिमाग से ही निकल गया कि हाँ ही प्लेड दैट कैरेक्टर ऑल्सो. क्या फीडबैक मिला था जब सेकेंड सीजन आया एंड पीपल बहुत इंतज़ार कर रहे थे? तो मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लगा. मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ये तुमने क्या किया है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा तुम्हें बिल्कुल. मतलब शी रियली फेल्ट दैट आई हैव डन समथिंग वेरी डिफरेंट. तो मुझे मेरे लिए वो थोड़ा काफ़ी अंदर तक गया कॉम्प्लीमेंट. मुझे लगा कि इनको लग रहा है तो फिर कुछ तो होगा. क्योंकि जब मैंने भंडारी भी किया था वो भी उन्होंने मतलब उसके भी थोड़े शेड्स उन्होंने देखे थे मेरे पर. ये ऑल्सो फर्नांडिस जैसा शेड मम्मा के सामने इतना आता नहीं है मतलब, बट उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बट इन जनरल मेरे को उसके बाद सिर्फ कॉप का काम ही बोल रहे हैं लोग. तो मुझे नहीं पता अब ये कितना कॉम्प्लीमेंट है और कितना क्या है, बट जो मुझे देख रहा है डायरेक्टर्स और सब वो लोग तो कह रहे हैं हाँ वो एक पुलिस वाले का यार कुछ हम लिख रहे हैं वो. तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी हो गया है. मैं वापस कुछ भंडारी ढूंढ रहा हूँ. थैंक गॉड मैं पम्मी बन गई. अब लोग कन्फ्यूज है, ये हरियाणवी है, महाराष्ट्रन है, पंजाबी है, रेसलर है कि कांस्टेबल है. इसको रेसलर बना या पुलिस वाली? मुझे रेसलर भी आ सकता है, तो अब इसको पुलिस वाली रेसलर आएगा. नहीं मुझे ना ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी लकी विद द स्क्रिप्ट्स बिकॉज ये दोनों एक सेम टाइम पे आई ना, तो पीपल सॉ डिफरेंट साइड्स एंड देयर वाज अ ह्यूज एज गैप ऑल्सो बिटवीन द टू. एक 19 साल की इनोसेंट लड़की है और भूमि भी मेरे लिए छोटी सी है इन माई माइंड, यू नो शी इज 29 बट शी वॉज वेरी इनोसेंट. सो आई थिंक दैट दोज टू कमिंग टूगेदर मुझे बहुत हेल्प हुई. नहीं तो मैं भी पुलिस वाली बन के and they're poles apart. They're poles apart, both yeah, of them. Yeah, but the stories are poles apart. I mean, exactly. Complete victimization to complete self-realization, you know? Second season ka jab shoot ho raha tha, us samay already pandemic wagera chal rahe the. Kis tarah se season aapne shoot kiya? Because bahut sari cheezein, precautions lene padte the. Kis tarah se aap logon ne shoot kiya tha? Bari mushkil se shoot kiya bhai. Mushkil se isliye shoot kiya kyunki portions mein hua, beech mein second lockdown aa gaya. और जब थोड़ा भी पैंडमिक वगैरह कुछ होता है तो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए हमने रूल्स सारे. नेटफ्लिक्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है सारे रूल्स, तो इसलिए मेरे लिए पर्सनली एज एन एक्टर मतलब इतना ज़्यादा मास्क पहनना और वो सब करना और उसमें शूटिंग करना, गर्मी होती है एक सेट पे, इज़ अ ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे मुझे पर्सनली मतलब मास्क पहन के काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट हमको करना पड़ा यार. और वो जो एक डेढ़ महीना था पूरे क्रू के लिए, मतलब जो बाकी क्रू मेंबर्स थे उन्होंने तो वो भी पहना हुआ था, क्या कहते हैं उसको, पीपीई किट. हाँ जो किट होती है, प्रॉपर किट्स में सब काम कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, सब कुछ था. छोटे कर दिए थे क्रू बहुत, तो सबके काम जो थे वो थोड़े ओवरलोड थे. और इंडोर शूटिंग अलाउड हुई थी पहले, तो सिर्फ इंडोर कर रहे थे. और बीच में बड़े बड़े चंक्स थे लॉकडाउन के जिसमें हमने कुछ किया नहीं, तो फिर आते थे वापस. पहले लगता था एक दो तीन दिन शूट करके ना कैरेक्टर थोड़ा तुम्हारी पकड़ में आ जाता है, दो तीन दिन लगते हैं तुम्हें. तो फिर ऐसे करके आस्ते आस्ते हम लोग ने किया ख़त्म. सबने बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की सबने. आई थिंक आई वॉज वेरी लकी क्योंकि 27 अप्रैल लॉकडाउन हुआ फिर और मुझे कोविड हो गया एंड आई वॉज लाइक वाओ थैंक गॉड, क्योंकि मुझे बहुत ही भयानक. लकी बिकॉज लॉकडाउन हो गया ना, वी कुडंट शूट.
So I got the time to rest. अच्छा okay. I got so much time to rest because I felt really ill, you know. मुझे बहुत ही भयानक हो गया था कोविड. I couldn't move in my house and become a zombie. So it really helped me and I was like, God is there, यार. नहीं तो मुझे मेरी वजह से सेट रुका हुआ है ये, मैं नहीं सह सकती थी, you know. I was like, good, there is a lockdown only. I got 1 month break and then we started shooting again. So yeah. जो आप एक इवॉल्व होके दिख रही हैं, भूमि का जो किरदार है, जो एक किरदार जिसमें इन्होंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें आपने एक कैरेक्टर प्ले किया था, रेड लाइट एरिया में जाना एंड एवरीथिंग, डिड यू गो बियॉन्ड लाइक फॉर द फिजिकल रिसर्च टू नो एवरीथिंग, वैसा कुछ हुआ था अगर आप बताना चाहें तो? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली विद भूमि वॉट हैपन्ड वॉज शी इज़ पोर्ट्रेइंग टू बी समवन एल्स, करेक्ट. तो मुझे मैंने सिर्फ कॉन्स्टेबल एक दो मैंने देखी थी लाइफ में, तो मैंने उनको जस्ट देख लिया था, मतलब दैट्स ऑल. बट लाइनों में सब लिखा हुआ था, सो आई डिडंट रियली हैव टू फिजिकली गो एंड फिगर आउट कि आगे मतलब रियल वर्ल्ड में कैसा होता है या उनके मतलब मैनरिज्म्स क्या होते हैं या ऐसा कुछ, बिकॉज वो भूमि के माइंड से ही आपको दिख रहा है एंड भूमि किसी के लिए वेट कर रही है. सो दैट वॉज एक्चुअली द पॉइंट कि भूमि वहाँ जाती है और उसके लिए एक अलग ही दुनिया उसको नज़र आ रही है. जब वो पहली बार देखती है, एज यू सी, वो स्कर्ट वर्ट नीचे करके अपना ऐसे ऐसे चल रही होती है डर से. हाँ, एक डर है उसके जहन में कि ये मैंने कभी पहले देखा नहीं है, और बस उतना ही था, ऐसे मुझे इम्तियाज़ सर ने भी कहा था तभी. सो आई डिडंट रियली गेट इन टू द डेप्थ ऑफ इट, आई जस्ट वेंट अहेड विद द लाइन्स. तो वो लाइनों में ही था काफ़ी कुछ. एंड लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, जेसन फर्नांडिस एंड भूमि के किरदार से आप लोगों का क्या टेक अवे है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जेसन के कैरेक्टर से ऑनेस्टली मतलब मैं ज़्यादा टेक अवेज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े पर्सनल होते हैं मुझे लगता है ये टेक अवेज हमारे लिए फ्रॉम कैरेक्टर्स. बट मेरे लिए एक पर्सनल टेक अवे मुझे लगता है मैं बताऊँगा, इट्स अ गुड मैसेज. आई थिंक यू शुड नॉट बी टू ऑब्सेस्ड विद योर जॉब, इट'ल सक यू इन. एक हल्का लेवल ऑफ डिटैचमेंट होना चाहिए किसी भी, मैं नहीं कह रहा कुछ भी स्ट्रांगली नहीं करना चाहिए, ऑब्सेशन के साथ करना चाहिए, पर तब भी दिन के एंड में जब आप घर आओ या सोने आओ या उस मोमेंट पे एक डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है right. ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कौन हो, तुम अलग हो और ये काम अलग है right. मतलब ऐसा अगर नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है. तब भी अगर हम ऑब्सेशन के साथ कुछ कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अ पर्सन. I think from Bhumi, what I have learned or what I can take away is flow with life easily and naturally, because there's nothing that is in your control, nothing. Na Bhumi ko pata tha ki wo aage kya karegi, na abhi bhi pata hai wo kya karne wali hai. Wo kar dalti hai, baad mein sochti baithti hai ki kya ki hai. To ye maine life mein apply kar liya hai. Main kar dalungi. Bhumi ka character wrestler, ab main kar dalungi. Iske baad sochti baithungi. Ye nahi ki main kaise karu, main kya karu. Getting obsessed about a part and this that. Yes, I rehearse quite a lot. No doubt about that. Because I think wo ek mera, I was a runner also. To mujhe aadat hai practice karne ki, you know. Main school mein bhi na, main ek wo पेपर्स होते हैं ना 10th स्टैंडर्ड के, वो मैं 3-4-5 बार 10 बार सॉल्व करती थी. तो वो मेरी आदत है, सो इट्स ओके. आई एम नॉट हार्ड ऑन माई सेल्फ फॉर दैट. बट येस, आई हैव लर्न दैट फ्रॉम भूमि, दैट यू नो, फ्लो विथ लाइफ. एंड जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा है, 200 मीटर तक का प्लानिंग रखिए, ठीक है? क्योंकि अभी भी पता नहीं है आगे लाइफ में क्या होने वाला है. हमने अपने लिए डिसाइड किया था कि ये अब आके रिलीज होगा. ब्रह्मास्त्र वालों ने डिसाइड किया था, मैंने उनका कुछ अमिताभ बच्चन सर का वो देखा था कि कब आ रही है, 4 दिसंबर, ये उन्होंने कहा था 2020 में, पर वो आ रही है अभी. तो ऑनेस्टली पॉइंट बीइंग कि प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला है. गो अहेड विद द फ्लो एंड बी इन द मोमेंट एंड बी हैप्पी एंड फेस द सिचुएशन विद करेज एंड यू विल ट्रायम्फ इट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. एंड थैंक यू सो मच आदिति एंड विश्वास, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. एंड हम सबको इंतज़ार है सीज़न 2 का शी का, एंड बहुत अच्छा आप लोगों ने किरदार प्ले किया है. एंड हमें इंतज़ार है सीज़न 3, सीज़न 4, बहुत सारे सीज़न्स आए इसके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.